इंस्टा पे पच्चीस हजार हो गए थे तो ट्रैक्शन आने लग गया था हाँ। तो किसी हराम खोर ने हाँ। मेरा इंस्टा से रील वो डाउनलोड किया हाँ। और वो रोज एक वीडियो अपने यूट्यूब पे डालने लगा <laughs> उनको भी थोड़ा लगा कि स्कैमर है ये क्योंकि मैं तो वही करता था ना ऑफिस में जाके ही मैं कंटेंट बनाता था ऑफिस हाँ। का ही एडिटर शूट करता था <laughs>

क्या हम इतने गरीब हो गए भाई तुम गांव में ही लेके आ गए जो अमीर है उसका वो कोठी बोलते <laughs> ना या बंगलो है, है। मुंबई में अमीरों के पास भी नहीं बंगलो वो, वो भाई फ्लैट में ही रहेगा क्रिकेट <laughs> क्रिकेट मतलब भाई एकदम अगर क्रिकेट के बारे में किसी ने बोल दिया तभी तो सचिन अभी भी भगवान तभी तो एकदम ही भगवान मानते वो <laughs> आया बोला भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं मेरे को थोड़ी बातें पता वो तुम्हें बता देता ना उसने बोला तुम ना सौ एक्टर्स के इंटरव्यू कर लो बट हमेशा हीरो वो रहे

तो अब सबका ध्यान एक्चुअली कैमरा में तो सब लोग तिरछी आंखों से देख सकते हैं कि कोई इंसान है कौन है पता वो रुक गया उधर फोटो खींची हमने देखा हेलो एवरीवन दिस इज अपूर्व गुप्ता गुप्ता जी तो गाइज मुद्दा ऐसा है पिछले दस साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है इस चीज से बहुत सारा हंसाया है लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए तो मैं ला रहा हूं एक शो इस शो में होगा क्या इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूं जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं और मैं वो चाहता हूं कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में एक फन वे में एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊं सो गाइज प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी वेलकम टू काफी वाइल्ड शो और स्टैंड अप कॉमेडी में हमेशा ऐसा लगता है कि लॉन्ग फॉर्म के बिना आपका जो जीवन है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट्स और रील से ही अपना करियर एकदम फोड़ दिया है और हर जगह टू ट्रेवल करे जा रहे हैं आज ए टर्न स्टैंड अपमेडियन प्रणित मोरे कैसे हो मेरे भाई बस बढ़िया भाई क्या चल रहा है भाई अच्छा लग रहा है बोल रहा था बड़ी <laughs> अच्छा तारीफ सुनते हुए है कि दीदी इफेक्ट है यार काफी मतलब जब तक मुझे भी लगता था कि यार स्टैंड अप कॉमेडी में ना मतलब लाइक शॉर्ट फॉर्म हमेशा एक शॉर्ट टर्म के लिए याद रखी जाएगी हाँ. और लॉन्ग फॉर्म से आपकी पर्सनैलिटी स्टेब्लिश होगी और मैं मतलब इसका हुँ. क्योंकि मैं दस साल से करता हूँ तो मेरे को हमेशा लगता था कि भाई लॉन्ग फॉर्म ही सर्वाइव करेगा हुँ. और आपकी ऑथेंटिसिटी और ये वो फलान उमकान मुझे नहीं लगता था सच बताओ मुझे नहीं लगता हुँ. था, हुँ. था कि शॉर्ट फॉर्म से मतलब आपका हुँ. स्टैंड कॉमेडी के शोज बिक सकते हैं सकते। ये था कि हाँ पर्सनैलिटी नहीं तो चलो लोगों को पता चल जाएगा ये भी कॉमेडियन है लेकिन आपने भाई साहब टूर करके फोड़ फाड़ के सब कुछ दिखा दिया कि नहीं शॉर्ट से चल सकता है और लॉन्ग भी फिर डालने लगी गई इवेंचुअली वो तो डालना ही था तो कब आया ये थॉट कैसे हुआ क्या हुआ थोड़ा बताओ यार क्या कर दो यार एक तो जैसे तूने बोला ना हाँ? कि तुझे नहीं लगा था कि से हो जाएगा मुझे है भी, है भी नहीं लगा था है ना तो पॉइंट ये था कि मैं तभी जैसे रेडियो में काम करता था हाँ? तो अब वो रहता ना हर जॉब का एक बुरा साइड रहता है हाँ? एक अच्छा साइड रहता है ठीक है तो तभी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई मैं कभी ऐसे कैमरा फेसिंग वीडियोस बना पाऊंगा

तो धीरे धीरे हाँ। धीरे करके कुछ कुछ फॉलोअर्स बढ़े बढ़े कितने मतलब हजार थे वो कुछ चार पांच हजार हो हुए ना हाँ। तो एक दिन बैठ के कि, कि लॉन्ग टर्म गोल तो यही था मैंने सोचा कि एक काम करते है ये अगर दस हजार तो हो गया वैसे इसको ना मैं थोड़ा खींच लेता हूँ पचास हजार तक लेके जाता हूँ ट्राई करता हूँ और उसके हिसाब से फिर कंटेंट डालना चालू किया तो पहले स्टैंड अप के शॉर्ट्स डालना चालू किया अभी क्या हो गया

अब मैंने सोचा था मेरा प्लान ये था कि भाई जैसे तूने बोला कि YouTube पे तो बड़ा वीडियो ही जाएगा हा, हा, वो सपना रहता ना कि भाई पहला मेरा इंस्टा से रील वो डाउनलोड किया और वो रोज एक वीडियो अपने यूट्यूब पे डालने लगा अब मेरे दोस्त मुझे भेज रहे भाई तूने चैनल बना दिया हमें बताया और भाई मैंने देखा एक वीडियो को व्यूज आए थे कुछ 3 या 3.2 पॉइंट टू मिलियन फाक और मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे इंस्टा पे नहीं आ रहे उतने <laughs> तो मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने सोचा कि काम करेंगे रिपोर्ट करूंगा इसको <laughs> कैसे करूंगा <laughs> चैनल ही, ही नहीं है तो, उसका ओरिजिनल कॉन्टेंट हाँ, तो है उसका वही ओरिजिनल लग रहा है तो मेरे दोस्तों ने बोला तू भाई काम कर तू पहले खुद डाल सही बात है। चीज़ YouTube पे डाल तो मेरा मैं उतना कन्विंस नहीं था मैं ऐसा था कि भाई वो नंबर काउंट दिखता है ना कि यूट्यूब पे तुम्हारे इतने वीडियोस दिख जाएंगे फिर सौ वीडियो डाले इसने और व्यूज इतने हैं हा, हा, हा। फिर मैं सोचा ठीक है डालने लग जाते तो मैंने रोज एक शॉर्ट मतलब बनाया हुआ तो था ही जो इंस्टा पे डाल रहा था। तो मेरे पास साठ सत्तर रील कुछ पड़े हुए थे रोज एक डालता था शाम के छह पांच बजे जो भी है एक उसने क्या कर दिया उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया उसने मेल आईडी पे तो रिप्लाई नहीं दिया प्लस उसने कमेंट्स ऑफ कर दिया वो बोला कि अपना फुल प्रूफ ला रहे चोरी करते रहे फिर ऐसे मैंने दो महीने तक डाले पचास रील जब मैंने डाली पचास शॉर्ट्स जब डाले यूट्यूब पे तो अचानक से ना एक दिन मुझे दिखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स थे कुछ 400 500 हाँ। वो एक आध दिन में हो गए 800 900 होने लग गए अच्छा तो मुझे लगा कोई शॉर्ट तो फट रहा है कल वाला शॉट फट गया मुझे हाँ। लगा ठीक है हाँ। मैं देख रहा हूँ कल वाला उसके व्यूज है तीन हजार हाँ। उससे पहले वाला चार पांच किसी के व्यूज नहीं बढ़े मुझे लगा भाई कोई स्पैमर आ गया वो रहते ना आजकल किसी ने आज के खराया बॉट्स आ गई गए देख रहा हूँ देख रहा हूँ जो सबसे पहले डाला था ना दो महीने पहले वाला शॉर्ट उसके व्यूज हो गए वन मिलियन ओ और अचानक से बढ़ने लग गए तो, तो हाँ, आ गया मोटिवेशन ठीक है हाँ तो मैंने सोचा था इनिशियली कि जब भी मेरे हजार uh, या दस हजार सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डाल दूंगा अच्छा ठीक है अब वो जो पेज से बढ़ने लग गए ना <laughs> लालच तो आ ही जाता है बढ़ बढ़ रहे अच्छे बढ़ रहे अच्छे बढ़ने, <laughs> बढ़ने दे दे देते हैं तो बढ़ रहे बढ़ रहे रोज के ऐसे कुछ पांच सौ हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे क्योंकि मैं रोज नया शॉर्ट डाल भी रहा था पहले वालों के भी व्यूज आ रहे उसके भी बढ़ रहे तो एक पॉइंट पे मेरे पचास हजार सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब यूट्यूब पे बिना कुछ डाले और फिर मैंने सोचा कि डालूंगा तो अभी तक वीडियो शूट कर लिया तो जब एडिट वेडिट हो गए अभी तुझे तो पता एडिटर हाँ। कैसे काम कब देते हाँ। हैं हाँ। हमसे ज़्यादा बिजी है भाई वो। हाँ। <laughs> तो मेरा पहला वीडियो तब तक अस्सी हजार हो गया <laughs> और मैं हो गया कि अच्छा ही लग रहा था इंस्टा पे भी बढ़ रहे यूट्यूब है। पे भी बढ़ रहे और जैसे तूने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि

Oh. तो एक पॉइंट पे जब हैबिटेट के ओनर ने भी बताया कि भाई कुछ लोग मैसेज करते हैं कि उसका शो कब होने वाला है हमारा तब तो अच्छा लगा फिर फाइनली एक दिन आया तो ये सारे हैबिटेट वाले जो शूट है ये हम लाइनअप वाला करते थे मतलब चार पांच लोग हा, मिलके हा, एक यूट्यूब शो तो फाइनली मैंने सोचा कि एक पॉइंट के बाद कि चलो एक सोलो डाल के देखते एक सोलो डाला मैंने वो कुछ एक वीक के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया

बाईस में चालू कर दिया था अच्छा और YouTube का तो एग्जैक्ट याद है मुझे 2023 के स्टार्ट में मैंने चालू किया था मतलब अच्छा, मान लेते फर्स्ट जन को स्टार्ट कर दिया ओहो, और साल भर साल में खींच दिया हाँ, भाई ये। 365 शॉट्स डाले हैं क्या बात है मतलब भाई सब मजा आ गया हर दिन का एक हजार बढ़ा है मतलब हाँ, मतलब एकदम ऐसी कुछ है ना ये लवली तो और जो उससे पहले जब आप और ये तब तक जॉब करते थे अभी आप ये आ, मैं आएग, लास्ट तक कर रहा था। की हा, हा, हा। सही क्योंकि रोटी भी आनी थी। <laughs> मैं कर और मैं तो वही करता था ना ऑफिस में जाके ही मैं कंटेंट बनाता था ऑफिस का ही एडिटर शूट करता था और मेन सीन क्या है तो मेन सीन क्या हुआ था जब मैं तो दो तेईस में मैंने जॉब छोड़ी ठीक है बाईस में मैंने पेपर डाल दिए थे बाइस में बाइस में मैंने पेपर डाले थे अच्छा। तब उन्होंने मुझे रिटेन किया तब अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि क्या है क्या हुआ क्यों जाना है।, दी होगा हा, कुछ हा, है क्योंकि मेरे पास एक ऑफर था तभी अच्छा। अपन जॉब छोड़ के घर पे तो नहीं दूसरी कंपनी में क्रिएटिव एजेंसी में मेरे को ऐसे कुछ कॉन्टेंट मैनेजर का रोल तो मैंने बोला जाना है मुझे तो उन्होंने बोला नहीं क्या प्रॉब्लम है ऑफिस तो ठीक है ना काम वाम ठीक है ना तो मुझे तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि स्टैंड अप करने में बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि हर बार परमिशन लेना पड़ता तो मैंने ऐसे कुछ छह चीजें बोली उनको मैं ये ये चाहिए मुझे

<laughs> और पूरी एक्साइटमेंट में बातें करे जा रहे हैं <laughs> यार ये मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैंने आरजे के लिए इंटरव्यू देने गया अच्छा। तो एक स्क्रिप्ट वो का टेस्ट था पहले उन्होंने लिखा फिर वो जो मेरा बॉस था मतलब होने वाला बॉस उसने बोला की ये अभी ना पढ़ के सुना अच्छा अब

क्योंकि स्टैंड तब बड़ी चीज थी नहीं तो मुझे था कि यार कुछ क्रिएटिव करते तो फिर एक आया कि चल स्टैंड ट्राई कर लेते हैं फिर किसी से पूछा तो तब बोलते थे कि स्टैंड के कोर्स होते हैं ये होता है वो होता है कुछ कुछ ऐसी मतलब हो सकता है उसने बोला होगा कि भाई तेरी आवाज अच्छी नहीं है बट <laughs> <laughs> पोलाइट वे में डिक्लाइन करना हाँ। चाहता था बट हाँ। एक्चुअली uh, अगर किसी को आज बनना है तो क्या करना है उसे यार कोई कोर्स वोर्स तो कुछ भी नहीं है कुछ नहीं, तो सी नहीं है तो सीन ये अभी के टाइम पे हाँ। कि बस तुम्हें वो होना चाहिए मतलब जैसे कि स्टैंड अप में भी वही है ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम बात कर लो और ओपिनियंस रहे तो ये चीज मेरे बॉस ने एक चीज मेरे को बस बताई थी कि हम भी न्यूज ही बताते बट न्यूज के साथ एक टेक रहता है न्यूज चैनल आगे सिर्फ बता दे ना ये हुआ है अभी जैसे मैंने कल बोल दिया कि भाई इंडिया की मैच थी चार विकेट चले गए तो मैंने तो न्यूज ही बोली बट मैंने अगर बोल दिया कि भाई इसको तो टीम से निकालना ही चाहिए वो ओपिनियन चाहिए उनको राइट और अभी के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि थोड़ा ना वो हो गया कि आरजे थोड़ा वीजे ही बन गया तो अभी वो लोग वही सोचते हैं कि अगर मैं एक ऐसे इंसान को लूंगा कि जिसका तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है डिजिटल में तो उसको पूरा ही बिल्ड करना पड़ेगा उससे वो सोचते कि भाई एटलीस्ट आठ दस हजार फॉलोअर्स रहेंगे तो उधर तो वो फेस दिखाई रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस तो है अभी सिर्फ उसको

तो मैं इवनिंग शो करता था उधर अच्छा तो, आ, था लेकिन मेरी बहुत फटी थी यार कि मुझे ऐसे लगता था कि एक तो क्या है अप में कैसे तुम्हें ऑडियंस देख पा रही है न? राइट तो मैं ऐसे ऑडियो मॉड्यूलेशन मुझे नहीं आता है अच्छा एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं आता था ठीक है तो मैं बहुत फ्लैट बात करता था क्योंकि अच्छा। हम एक्सप्रेशन से दिखा देते ना उसने ऐसा बोला हा, हा। वो ये हम कर सकते हैं बट अब हा। वो आग बंद करके उसको समझ नहीं आ रहा <laughs> तो मेरा बॉस आके मुझे बोल रहा है कि सुन तूने कैसे बोला अब मैं सुन रहा हूँ मुझे समझ रहा है की मैंने हक दी है फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ कैसे करो आता है और वो बोल रहे की नहीं नहीं तू करते रहे करते रहे लेकिन विद टाइम वही है कि इतने सारे लोगों के साथ तुम रहते हो वो तुम्हें बताते कि ऐसे कर वैसे कर तो वो इम्प्रूव होते जाते है और रेडियो ने तो मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि जैसे मैंने बोला की वो कॉन्टेंट बनाना ही पड़ता था वो पहले मेरा ड्यूटी था लेकिन हाँ। बाद में मुझे मजा आने लग गया फिर बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है कि तुम फिल्म फेयर होस्ट करने जा रहे हो या मतलब रेड कार्पेट पे तुम अलग अलग सेलेब्स को मिल रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता कि मतलब अब मैंने तभी इतने सेलेब्स के साथ बात कर ली हाँ। की अब मुझे ऐसे लगता है की ठीक है यार भी क्या इंडियन ही है ना कि अलग कुछ नहीं है उन लोग के साथ तो वो फटना बंद हो जाता है वो हाँ, जो एक हाँ. होती है ना शाहरुख से बात करनी बराबर बराबर हाँ, हाँ. किस किस से मिले हो? कोई बहुत ही मतलब टॉप के तीन बताओ मतलब जो अभी किसी से मिले यार जो मुझे सबसे ज्यादा जिनके साथ मजा है तो एक जॉन इब्राहिम था अच्छा।, विकी गौ। था। अच्छा और मनोज वाजपेयी तो 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 अच्छा। से तो मैंने बहुत बट मुझे <चल जाएगा। laughs> मेरा दिन <सफल> हो गया। <laughs> और जॉन इब्राहम का मुझे इसलिए याद है क्योंकि जॉन इब्राहम जब आने वाला था ना तो एक तो क्या मैं नया आरजे था तो कोई ट्रस्ट नहीं करता तुम्हें अच्छा मैं तो ऐसे ही नहीं था कभी कि भाई मुझे इंटरव्यू दे दो जब जॉन आने वाला था तो मैंने बोला कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट है मुझे दे दो तो उन्होंने ना थोड़ा सोचा कि ये क्या ही कर लेगा मेरा बॉस था उसको मेरे में फेथ था ठीक है अच्छा। उसने बोला ठीक है तू कर ले बट जो बॉलीवुड डेस्ट संभालती थी जो मैनेजर थी उसने बोला कि नहीं नहीं इतना रिस्क नहीं लेंगे इंटरव्यू खराब हो जाएगा तो उसने क्या बोला उसने इंटरव्यू और मुझे बोला की तू एंड में आगे पांच मिनट कर ले

स्कूल में था अभी दोस्त था उसने कहीं से पता नहीं जॉन अच्छा। पास वो वो तो मैंने सोचा भाई जॉन इब्राहिम को मैसेज करेंगे क्योंकि बॉलीवुड सेलर्स को काम ही क्या है सबके रिप्लाई देंगे ना <laughs> मैंने एकदम तो मस्त लिख दिया भाई ये मूवी देखी बहुत मजा आ गया और मैं रुका हूँ अभी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे लिखा था मेरा तो दिन ही बन गया एकदम oh, अब shit. जब जॉन का मैं इंटरव्यू था मैंने ये चीज बोली oh. और उसको याद मतलब उसको याद थी कि उसने बोला कि हाँ मैं तभी ट्राई तो करता था अभी भी मैं ट्राई करता हूँ जब भी मौका मिले मैं रिप्लाई तो oh, देता हूँ अब वो थोड़ा खुल गया उधर अब मैंने थोड़ा अब मेरा पहला इंटरव्यू था मैंने रिसर्च करके गया था मैं, तो मैंने उसको सीधा ही पूछ लिया एक तो दोस्त रहता ही है ना। है। आप इतना शूटिंग ले है। रहते हो है। तो बोलता लिए खंबा लेके आना है, है, है। तो पहले तो हंसा होगा की भाई मानोगे नहीं मेरा एक दोस्त है वो कभी कुछ नहीं करेगा लेकिन जब भी आ रहा हूँ ना बोलेगा भाई ये स्कॉच लेके आ जाए फिर उसने बोला की भाई तू मानेगा नहीं इंसान जितना अमीर हो जाता है ना फिर भी वो गरीब ही रहता रहता है सब लोग फटे फटे उसपे और वो पार्ट बहुत चल गया सोशल मीडिया अच्छा, तो अच्छा तब से वो ऐसे हुए की हाँ ये लड़का करता है <laughs> तो है। सही है, सही है। तो आज बनने, बनने का कोई शौक नहीं था मुझे। <laughs> मजबूरी थी। मुझे बस ये था कि अब तू ये सुनेगा तो सोचे क्या क्या किया है। है। तो मैंने कर लिया था एम <laughs> अच्छा, हाँ, तो क्या हो अच्छा पहले जबने? मैंने बीएमएस टाइप कोर्स इंजीनियरिंग नहीं किया फॉर चेंज जैसे करते तो एमबीए मैंने कर लिया स्टैंड अप का तो कोई चांस ही नहीं था लाइफ में ठीक है एम बी कर लिया था मैंने मैंने मैं पहले क्या किया था बी एम एस किया था बैचलर ऑफ मैनेजमेंट सर बीकॉम का भाई है अच्छा। बस फैंसी नाम <laughs> वो कर लिया उसमें भी पता नहीं था क्या करना है उसके बाद एक दो साल जॉब किया सेल्स में हाँ। फिर ये एमबीए एमबीए के लिए एडमिशन लिया हाँ। अब MBA अच्छा ही जा रहा था अच्छा मतलब क्या सबकी प्लेसमेंट तो हो ही जाती है पढ़ाई करता ही तो सेकंड ईयर में मैंने पहली बार स्टैंड अप चालू ट्राई किया अच्छा कॉलेज कॉलेज में 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 एमबीए जब सेकंड ईयर में था तब पहली बार किया और पता नहीं कैसे वो अच्छा गया बहुत अच्छा। मतलब कैनवस लाफ क्लब था, था अच्छा। ना अभी तो पलेडियम मॉल पलेडियम वाला तो कैनवस में वही तो मेल वेल करना पड़ता था मेल वेल किया इंग्लिश में नहीं हिंदी में अच्छा, हिंदी तो सारे हिंदी मतलब आ, हिंदी, हाँ, हिंदी, हाँ, हाँ, हा। तो अब ऐसा हो गया कि पहली बार किया तो तभी वो वाले शो में शायद जनता बहुत कम थी तो उन्होंने कुछ विनर विनर नहीं अनाउंस किया ठीक है तो सेकंड वाले टाइम जब मैंने डाला मैं ऐसा था कि तभी मैंने मेल उनका प्रॉपरली पढ़ा उसमें लिखा था। चार मिलेंगे अगर तुम अच्छा करोगे, तो और एक मिनट का है। वो, तो हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। वो होगा औकात के हिसाब से चार मिनट करते क्योंकि अपना तो दूसरी ही बार है क्या चार मिनट का चार मिनट का था लाफ भी गिनके था उसमें थर्टी सेकंड मैक्स लाफ आ सकता है अपने अपन कितना करेंगे अब वो इतना अच्छा गया पहला ही बार मतलब था ऑफिशियली टाइप अगर पकड़ेंगे और मैं जीत मतलब वो हो गया मैं फेस ऑफ में आ गया अच्छा प्लस वन हाँ तो अब ऐसा हो गया कि और उसमें लाइनअप में ये सब थे मोहम्मद सुहेल सुप्रिया जोशी अच्छा अब उन्होंने अच्छा। बोला एक मिनट और करना है ठीक है मैं बोला कहा से करूँ एक मिनट <laughs> है ही नहीं भाई चार ही मिनट है मेरे पास तो उन्होंने बोला एक मिनट करना है तो है। उसने उसने जो थी उसने पूछा कि हु विल गो फर्स्ट अब भाई मेरे पास कंटेंट ही नहीं है मैंने बोला कि लेडीज फर्स्ट ठीक है अब सुप्रिया ने बोला ठीक, ठीक, ठीक गो. है ठीक है उसके पास कॉन्टेंट था उसने बहुत बढ़िया किया मोहम्मद सुहेल ने अच्छा किया लास्ट में गया अब मेरे पास मतलब दो मिनट थे तभी तो अच्छा, दो मिनट में मैंने दो मिनट है ना ये दोनों परफॉर्म करेंगे एक, अच्छा, एक अच्छा, मिनट अच्छा, ओके, ओके, तो वो दो मिनट में मैंने ऑडियंस को देख लिया एक बंदा प्रिंगल खा रहा था एक, एक कपल बैठा थीक था थीक 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 तो मैंने वही सब लोगों पे थोड़ा क्राउड वर्क टाइप मतलब उनसे बात नहीं बट वैसे जोक्स मार है और वो बहुत अच्छे मैं जीत गया अब तब के टाइम पे याद है ना ऐसे ग्रुप में बात होती थी कि आज कौन जीता है है है। तो यूजुअली पता रहता है ये बंदा जीता तो ये ये है।, है अब उनको पता ही नहीं था ये कौन है। कौन है? है तो वैसे करके मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि भाई स्टैंड अप कर सकते क्योंकि थोड़ा बिग डील बन गया उन्होंने कैनवस वालों ने भी बोला की तुम अगले वीक वापस आओ अगले वीक आओ हम तुम्हें तो वापस पॉट देंगे अगले वीक भी मैंने किया अगले वीक भी मैं जीत दिया आ, तो उन्होंने बोला कि लेकिन अब और एक बार अगर जीते ना तो तुम्हें तो वीकेंड वाले में स्पॉट देंगे ठीक है बट कंटेंट ही नहीं था मेरे पास <laughs> उन्होंने बोला नया कंटेंट करके अभी है। नया कंटेंट चाहिए तो मैंने बोला भाई फिर अब अगले वीक मत दो एक वीक में कहा से लिखूंगा मैं मैंने बोला मुझे थोड़ा टाइम दो मैं टाइम बाद आऊंगा ठीक है फिर तब मैं प्रिपेयर एमबीए में तो हो गया था तभी प्लेसमेंट मेरा मैंने सोच लिया था कि मैं मुंबई में जॉब लेता हूँ मुंबई से हो ठीक है तो मैंने सोचा था जॉब भी इधर ही ले लूंगा ठीक है तो एटलीस्ट स्टैंड अप करने में ले

<laughs> कि मौत वोत पे जोक्स अब मैं जा रहा हूं भाई कोई नहीं भाई पूल कोई हंस नहीं रहा है और भाई इतने फनी जोक्स है मुझे लगे ये, ये है। तो दिले दिले मुझे लगा ये लोग कदे ही नहीं हंस रहे धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं थोड़ा इनिशियली तो एटलीस्ट तुम्हें <laughs> जोन में जाना चाहिए फिर वो किया फिर थर्ड टाइम जब जीता आप फिर भी यहाँ पे पहला गेस्ट आए हो आप जो बॉम्बे से हो तो मैं ना थोड़ा हाँ, मतलब इससे पहले नॉर्थ के बहुत सारे हाँ। आ गए मैंने दिल्ली के लोग हैं जो बॉम्बे में अभी रह रहे हैं मुंबई में हाँ। तो मुझे थोड़ा सा आप अपनी फैमिली कल्चर के बारे में बताओ ना मैं यार मैं वो बताता हूँ उससे पहले मुझे एक चीज तुझे पूछनी है ठीक है तुझे याद भी नहीं रहेगा तूने जब मैं आया तब तूने पूछा ना कि भाई तू आरजित आइये तुझे पता है मैंने एक शो में तेरे लिए ओपन किया है अच्छा इसलिए मैंने तभी नहीं पता <laughs> एक, एक शो था वो सेटअप वेटअप रखा था जो भी है वो काफी तो आपने कुछ किया था वो हाँ तो उन्होंने बोला कि एक ओपनिंग एक्ट रखना है उसमें तो शायद तेरी टीम ने बात करी थी कि क्या हमलाए ये वो तो मैंने तो इनको पहले ही बोला था की भाई एटलीस्ट ये तो करने दो <laughs> तो बाकी चीज में तो तुम टांग अड़ाते दो अभी तुम्हारा ही आ रहा है कोई हा, पर हा, उसके हा, लिए ओपन कर रहे रही तो फिर करने मिल गया और अच्छा। तो तू आया तभी तो

तो वो सीन था <laughs> यार याद नहीं रहते यार <laughs> लगता है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई होगी तुम्हारी <laughs> 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 अच्छी गई होगी मतलब वो ओके गई होगी क्योंकि बुरी गई होती तो आ था कि यार इसको बुलाना ये है ठीक <laughs> <laughs> मतलब ही गई थी <laughs> एकदम एक्स्ट्रोर्डीनरी भी नहीं गई थी आ, और वो क्यों हुआ था मुझे याद है क्या था उससे पहले मतलब उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ वो प्लान किया था तो भी एक शो था ठीक है तो अभिष मैथ्यू का शायद एक वीक पहले था फिर तेरा था ऐसे लाइंड अप था अब अभिष मैथ्यू के टाइम भाई मुझे इन्होंने बताया नहीं जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हाँ, हाँ, हाँ। इन्होंने क्या सोचा कि भाई अभिषेक शायद त्यौहार है तो अपन सीनियर कॉमेडियन को बोलते सीनियर आरजे को बोलते तो उन्होंने एक आरजे को बोला कि तू इसके लिए स्टैंड अप में ओपन करेगी बहुत ही गलत कॉल है ये इनको समझ में नहीं उसने ओपन किया ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा गेम था उसका ओवरऑल बट उसको वो उतना नहीं जमा और, होस्ट, हाँ, होस्ट, उनको भी समझा

वो फ्लैट सब बहुत सारी हिंदी मूवीज में नॉर्थ के दिखाते कि दिल्ली में रह रहा है तो जैसे वो अः कौन सी थी बधाइयों बधाइयों में वो डीडीए फ्लैट में रहते थे हाँ हाँ आ, फैन में जीरो या फैन में शाहरुख खान डीडीए फ्लैट में हाँ रहता हाँ था हाँ ये सारा ओ हाँ वैसे तो मतलब वो पस, है मतलब ना कि दिल्ली वालों तो पांच चीजें अमीरी होगी तो वो ओ, बंगला दिखा है ना रणवीर सिंह और अभी समझे, उसकी समझे, समझे, थी। यार तो ऐसा ही था मतलब एक तो मेरा सीन ही है कि मैं मुंबई में ना हर पार्ट में फिर भी रहा हूँ जैसे कि जब मैं पैदा हुआ तब हम रहते थे दादर में एक तो फाइनेंशियली उतना अच्छा थे नहीं तो जैसे तू बोल रहे है, चौल वाला ही सिस्टम था चौल मतलब वो बिल्डिंग्स रहती है ना जिसमें बैक टू बैक रूम्स रहते हैं बहुत सारे हा, हा, हा। और हर फ्लोर पे एक कॉमन टॉयलेट रहता है अच्छा वो कल्चर रहता है उधर और okay. वही है की सबके डोर खुले चाल बोलते हैं ना हाँ चौल का और भी टाइप से कुछ कुछ एकदम ऐसे मतलब ग्राउंड फ्लोर ही रहता है जिसमें और कुछ रहते जो बिल्डिंग टाइप है बट ऐसे सिस्टम वही है की मतलब सब लोग कॉमन वॉशरूम यूज कर रहे हैं और सबके डोर खुले हैं मतलब कोई भी किसके घर में जाएगा सबको सब कुछ पता है मतलब बंदी बंदी वाले सीन नहीं हो सकता वैसे सीन <laughs> तो लेकिन मैं तो अभी बस पैदा ही हुआ था हाँ। तो पहले कुछ साल हम वहाँ पे रहे फिर दादाजी थे वो गवर्नमेंट में काम करते थे तो उनको अंधेरी में वो क्वार्टर्स रहती है हाँ। ना वो मिली सरकारी हाँ तो वहाँ पे हम शिफ्ट हुए तो दादाजी रिटायर होने तक वहाँ पे रहा मतलब कुछ थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक वहाँ पे रहा ठीक है। फिर दादाजी हो गए रिटायर अब मुंबई में रहना मतलब रेंट, रेंट, रेंट बहुत ज्यादा है और तो और मेरे डैडी और मम्मी का मतलब उतना ये था नहीं मतलब मेरे डैडी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है बीएसटी उसमें कंडक्टर थे ठीक है और मम्मी तभी होम मेकर थी बाद में मम्मी और भी काम करती थी ठीक है तो जब फिर दादाजी रिटायर हुए वो गाँव चले गए तो फिर हम शिफ्ट गाँव गाँव हम खेड़ मतलब रत्नागिरी करके एक जगह महाराष्ट्र में तो वहाँ पे कोंकण में मतलब अब दादाजी चले गए फिर अभी क्या करे तो हम लोग शिफ्ट हो गए नवी मुंबई अच्छा अब, अच्छा अब मतलब तू समझ रहा है अंधेरी से नवी मुंबई नवी मुंबई मैंने भाई हमेशा मुंबई देखी डैडी ने बोला कि चलो तुम्हें एक घर बुक किया है वो दिखाने लेके चलता हूँ हम जा ही रहे ठीक है मुझे ऐसे लगा कि भाई गाँव ही लेके जा रहे और तभी नवी मुंबई मतलब भाई गाँव ही था मतलब कुछ बना नहीं है आ, मतलब बस भी एंड तक नहीं थी, ऐसा सब सीन था वहां पे अच्छा। और मुझे एकदम ऐसा हो गया कि क्या हम इतने गरीब हो गए भाई तुम गाँव में ही लेके आ गए तो वैसा सीन था तो उसके बाद तो पूरी पढ़ाई लिखाई सब वहाँ पे नवी मुंबई में, में।, में। अच्छा। तो छोटा सा ही फैमिली है मतलब मम्मी डैडी तो मैं और भाई हम पहले तो चार ही थे हाँ। अभी भाई की शादी हो गई अच्छा। तो भाभी भी है हाँ। और एक बिल्ली है हाँ। तो पांच लोग रहते हैं बट तो वही है की उधर का कल्चर थोड़ा वैसा कि मुंबई उतना नहीं है मतलब मुंबई में वैसे भीड़ भाड़ खाना भी मुंबई में वैसे कि थोड़े बड़े घर हैं थोड़ी शांति है तो इसलिए मैं अभी भी उधर ही रहता हूँ थोड़े ही बड़े भाई जब मैं इधर आता हूँ मैं देखता हूँ वही नहीं बात करते ठीक है मतलब ये बड़े छोटे की मतलब जैसे इधर तूने बोला ना कि हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ। जो अमीर है उसका वो कोठी बोलते हैं ना या बंगलो, बंगलो है, है। मुंबई में अमीरों के पास भी नहीं बंगलो डी भाई, भाई फ्लैट में ही रहेगा <laughs> साउथ बॉम्बे वाला भी फ्लैट में ही वो नहीं वो नहीं फ्लैट में ही रहेंगे ना हालांकि <laughs> बहुत ज्यादा है बट भाई है उसका वो फ्लैट ही है उसका जॉब कब छोड़ी आपने और ये कैसे कॉल लिया आपने

तब तक तुम स्टैंडअप से साठ भी कमाने लग जाते हो तो छोड़ सकते हो आइडियली बहुत गलत एडवाइज है बट हाँ बट मैंने वो सुन के मैंने वो छोड़ दिया जॉब तभी ऐसा था कि लाइव शो में कुछ लोग आते थे यूट्यूब शॉर्ट से पैसे आ जाते अच्छा, आते थे। ब्रांड था जिसके लिए मैं सोशल मीडिया के लिए लिखता था अच्छा तो उससे पैसे आ जाते अच्छा। तो मैंने वो सोच के छोड़ दिया मैंने ठीक है पहले एक डेढ़ महीना थोड़ी फटी और है। तो मैंने भाई से बात करी कि है, ऐसा, ऐसा है, है।, है और कितने, कितने बड़ा है एकदम भाई हो तो उससे मैंने बात करी तो वो ऐसा था कि हाँ तेरे को लग रहा है तू छोड़ देगी कभी ना कभी तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना तुझे और उसने उसने बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ नहीं वर्क किया जॉब तो फिर से मिल ही जाएगी शायद उतनी सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन ठीक है मिल जाएगी तो वो सोच के मैंने छोड़ दिया, मेरे भी लग रहा है यही करना चाहिए उनको लगता है बट तुम अभी वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती छोड़ दिया काम करने लग गया स्टैंड मेन मेरा ये था सोर्स ऑफ इनकम वो सोशल मीडिया जो क्लाइंट्स थे उनसे जिनके लिख रहे जिनके लिए लिख रहा था अब दो तीन महीने हो गए उन्होंने दिया कि हमारा बजट <laughs> तो नहीं आ गया तो ना तभी तक मैंने थोड़ा एस आई पी चालू कर दिया था मेरा एजुकेशन लोन चल रहा था क्योंकि एम बी ए का तो भाई पैसे ही तो लेते हो तो वो भी कट रहा है तो मैंने थोड़ा हिसाब किया मैंने सोचा क्या एस आई पी हटा दू तो थोड़ी बहुत मेरे पास सेविंग थी तो मैंने सोचा एक काम करते हैं तीन चार महीने तक तो अपना निकल जाएगा तीन चार महीने बाद अगर लगा तो अपन पकड़ वो एस वो एसआईपी बंद कर देंगे अच्छा, या वैसा कुछ तो हाँ। कि कुछ कर लेंगे हाँ। तीन चार महीने तक ऐसा हो या पता नहीं वो भगवान रहता है ना हमेशा सपोर्ट करता ही है तब तक भाई चलने लग गया इतना बढ़िया कि एस बढ़ा दी फिर उसके बाद तो ऐसा हो गया कि कितना सही हो गया। क्योंकि वो फटती कुछ फट जाए। क्योंकि में तो ऐसा है ना कि आप रात को सोए सुबह पता भी नहीं होगा की क्या हो, हो, हो गया क्या हो गया और मेरा एक ही चीज़ अच्छा था मैं जैसे तूने बोला मैं खारगर में रहता हूँ फैमिली रहता हूँ तो मेरे को वो लोड नहीं था घर का मुझे सिर्फ घर पे पैसे देने जो मेरा जो मेरी जिम्मेदारी है बट वो नहीं है ना कि रेंट भी रेंड मुझे भी भरना भी है हा, हा, कि पूरा घर ही मेरे इस, इस पे चल रहा है तो वो लोड नहीं था तो मैं था कि हाँ ठीक है थोड़ा खींच लेंगे अपन। राइट राइट <laughs> क्रिकेट के बारे में बात कर रहे अब तुमने पुराना क्रिकेट फॉलो किया है पुराना मतलब वो सचिन सहवाग यार तो मेरा जो चाचा था ना वो था एकदम ही क्रिकेट फैन अच्छा तो ऐसा सीन था कि अभी बचपन में तो क्रिकेट समझता ही नहीं था राइट तो अपने वो कार्टून देखना रहता हाँ था और तभी कौन सा कार्टून देखते थे भाई वही सब स्वॉट कैट बैटमैन देखा है हाँ हाँ वही उसका हिंदी वाला ना फिर वो सब कुछ अलादीन जो भी टाइम स्लॉट के हिसाब से आ रहे हैं तभी तो यूट्यूब बताओ भादवी कितने बजे आता था यार साढ़े चार चार, चार ना, ना, ना चार, तीन आता था हाँ। जॉनी क्वेस्ट शायद जॉनी नहीं नहीं जॉनी क्वेस्ट जिसमें हाँ। वो एक वो होता था ना स्टीफन हॉकिंस वाला एक बंदा होता था हाँ। और कुछ तो था यार कोई याद नहीं आ रहा था।, मतलब हाँ, था वैसा हाँ, बंदा जो चेयर पे होता था कर हाँ, सकता था और वो एक लड़का होता था जो कम, मैट्रिक्स टाइप उसको लगा देते थे और हाँ, वो उसमें घुस जाता था वर्चुअल हाँ, वर्ल्ड हाँ, में चार साढ़े चार वही स्लॉट है चार से छाइप की मूवी आनी है बहादुर

अब जो भी चाचा को पसंद था क्रिकेट तो वो जब भी आता था ऑफिस से या कुछ भी अगर संडे घर पे तो देखना ही पड़ता था मैच ही देखना पड़ता अब हम इरिटेट हो जाते थे कि भाई नहीं देखना यार ये सब है, 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 है। क्योंकि समझता नहीं था अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि Uh, क्या ही करोगे घर पे बैठे तो देखने लग गए <laughs> अब देखते देखते वो चस्का लग गया <laughs> अब जैसे चस्का तभी लगा मेरे ख्याल से जब सचिन ने हो, हो, डेजर्ट वो शारजा वो वो डेजर्ट सब था oh, ना तब ऐसा हो गया कि भाई मतलब इतना फैन की सचिन का जो भी तभी तो फोटोज आते न्यूज पेपर में हा, हा। तो न्यूज से काट के वो बुक में लगाने का <laughs> मैगजीन जहाँ पे मिल रहे हैं जहाँ पे सचिन का बहुत बढ़िया फोटो है अब नई मैगजीन तो खरीद नहीं सकते क्योंकि तभी आती थी पच्चीस रुपए की तो हम जाते थे जो कबाड़ी वाला उधर जाके वो जब पुरानी हो जाती है फिर वो दो दो रुपए

मैं यार मैंने 2012 तक फॉलो किया था हाँ जब हाँ तक वर्ल्ड कप जीते और हाँ जब सचिन था उसके हाँ बाद से फिर मतलब थोड़ा जिता ही दिया था दो का शायद एक जिताया था वर्ल्ड का जीता ग्यारह का भाई तूने आइडियल टाइम पे छोड़ा मतलब में समझ नहीं उसके हाँ बाद से कुछ नहीं जीते हम लोग हर साल गम में ही डूब रहे थे पहुंच गए हार गये, पहुंच गये थे, हार गए 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 इस बार तो भाई फाइनल में मैं इतना वो था कि यार इस बार तो टीम ऐसी है इस बार मतलब ऐसे था कि जो लोग नॉन क्रिकेटर भी थे ना मतलब जिन हाँ। जो फैन भी नहीं थे वो भी, भी फाइनल तक आते आते बन गए थे कि भाई इस बार तो हाँ। ऐसे वो लगा दिया

और उधर चल रहा है मैच और वो इतना हरामी डीजे था जैसे उसने विनिंग शॉट मारा उसने गाना प्ले किया लड़के लग ओह oh, शिट oh. <laughs> मतलब रोना भी आ रहा है हंसी भी आ रही है वो कह रहा भाई अपनी बीट मिस नहीं oh, होगी भाई मेरा काम अच्छे <laughs> से करूंगा <laughs> भाई मैं करूंगा नहीं ओह शिट फेवरेट आज कौन है आपका भाई अभी वो सडनली कहां से कहां वो देख है रहे हो ऐसे हो जाएंगे ओहो ये हमारा नाम नहीं ले बट अभी मैंने जॉब छोड़ दिया है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं यार बट अभी तो मुझे लगता है आज ये कोई है ही नहीं मुझे तो आ, सारे हाँ, आज है सारे कंटेंट क्रिएटर ही बन गए लेकिन नवेद मुझे पहले से ही पसंद था क्योंकि वो ओजी है मतलब ओजी है वो और उससे जब भी तो हम सेम ही स्टेशन में काम करते थे तो जब तो उसने वो पहली बार ही उसने आके बताया था ना जो चीज यार वो मुझे हमेशा जो तू पूछ रहा था ना ये कैसे हुआ वो एक एडवाइस जो उसने दी थी वो मुझे हमेशा याद रहेगी okay. ट्रेनिंग में आया एकदम ही चिल ठीक है बाकी सारे लोग आते थे ना ऐसे रहते कि तुम्हें ये करना चाहिए तुम्हें वो है, है। वो आया बोला भाई मैं तो पढ़ा लिखा हु नहीं मेरे को थोड़ी बातें बता पता है वो तुम्हें बता देता उसने बोला की अब तुम लोग आरजी बन गए तुम सबको लगता रहेगा कि हमारे स्टेशन कार्तिक आर्यन आया ये फलाना एक्टर आया मेरे को ये इंटरव्यू नहीं मिला तुम ना सौ एक्टर्स के इंटरव्यू कर लो बट हमेशा हीरो वो रहेगा राइट right. तो तुम yeah. ऐसा कुछ करो जिससे तुम हीरो बन जाओ वाह। wow. तुम सेंटर में रहो कि मैं जो वो मुर्गा करता है उसकी वजह से मैं स्टार बना ना मैं इसलिए right. नहीं, नहीं बना कि मैंने भाई अक्षय कुमार का इंटरव्यू लिया। right.

अब वो यार मुझे ऐसा लगता है जो माँ बाप बचपन में बोलते हैं ना कि जो भी तुम पढ़ते लिखते हो कभी वेस्ट नहीं जाता तभी तो लगता है क्या बोल रहे हैं ये सब कुछ काम नहीं आए बट मुझे लगता है बहुत काम आता है ये सब मतलब जैसे कि एम में तो मैंने इसीलिए किया था कि इस मुझे थी, मार्केटिंग।, मार्केटिंग में तो मुझे हमेशा यही लगता था कि भाई पैसे कमाने ना इसलिए इससे हाइक मिल जाएगी क्योंकि तभी मैं जॉब करता था कुछ बीस बाईस हजार की जॉब थी मेरी ठीक है इन हैंड भी उतना ही आता था क्योंकि उसमें कुछ पी एफ ई का ही काटे हो <laughs> गवर्नमेंट <laughs> टैक्स था? भी नहीं ले रहा था तू रख तुझे जरूरत है तो मैंने सोचा भाई थोड़ी हाइक मिल जाएगी अच्छी लाइफ रही बट जब एम में करने लग तब मुझे समझा बहुत सारी चीज़ें जो हर आ, हर फील्ड में तुम यूज़ कर सकते हो जैसे अगर मैं सिर्फ स्टैंड अप ही करता ना तो शायद मैं ये सब नहीं सोचता जो अब मैं सोच रहा हूँ कि आ, मैंने यही सोचा ना कि लोगों तक तुमने पहले तो पहुँचना चाहिए एम में ये चीज़ मैंने सीखी थी कि अगर तुम्हारा फनल जितना बड़ा रहेगा उसमें से कुछ लोग आएंगे कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम बेच रहे हो तुम्हारे पास खरीदने आएंगे अभी अगर मैं सिर्फ एक दो जोक्स डाल रहा हूँ महीने में एक आध दो और अगर वो मान लेते वो भी मिलियन देख लेते हैं बट वो फनल नहीं चोट है, है। उसमें से कौन ही आएगा देखने बट अगर वो फनल ज्यादा है बहुत लोग हिट भी करेंगे बट ठीक है वो तो कभी आने ही नहीं वाले थे लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग आ रहे हैं वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अब वो लोग जब आते हैं वो लोग स्टोरी डालते हैं उनको दोस्तों को लगता है भाई अगर ये लाइव शो में गया था इसने स्टोरी डाली मतलब ऑर्गेनिक है ना तो जाते हैं तो वो सब चीजें बहुत काम आई हाँ जो भी हाँ मतलब मुझे टर्म्स याद नहीं बट ये एमबी की बहुत सारी चीजें मुझे हमेशा काम आती है कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए

स्टैंड अप के वीडियोस तो नहीं डाल पाओगे ना इतना कंटेंट कहा से बनाओगे अगर वो बनाओगे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि एक बार जो कंटेंट कर दिया वो लाइव शो में तुम नहीं करते तो अगर वो नहीं कर सकते तो तुम कहा से बनाओगे इतना तो इसलिए मैंने कुछ एक प्रॉपर्टी सोचा है जो रिएक्शन टाइप है लेकिन साथ में बैठे हम दोस्त ही है जो स्टैंड अप अपनी बगचौदी कर रहे हैं उसमें कुछ गेम्स भी खेल रहे तो वो वीडियो अभी डालूंगा तो रिकॉर्ड हो गए उसके दो वीडियो रिकॉर्ड हो गए मतलब एडिट करके रेडी है अब वो मोस्टली पंद्रह दिन में डालूंगा तो वो हर वीक डालूंगा ये प्लान है फिर हर एक आध दो महीने में क्राउड वर्क का एक डालूंगा और हर तीन महीने में स्टैंड अप का ये डालूंगा ये ये साल का प्लान तो ये है तो ऐसा <laughs> प्लानिंग पूरी प्लानिंग पूरी की है प्लानिंग पूरा एमबीए का यूज हो रहा है यहाँ पे बस अब वो, वो एग्जीक्यूशन <laughs> हो जाए यही यही और वीडियो एडिटर टाइम पे दे दे वीडियो

गेम ऐसा है ना कि आज के टाइम में जब आपको वीडियो निकालना तब हाँ। निकल गया तो वीडियो चलेगा बराबर हाँ। और दूसरा आपको भी उस वीडियो की तभी एनर्जी देने का फायदा है जब आपका मन है जैसे काफी लोग जब जब उनका मन होता है ना कि मुझे अब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अगर हाँ। उन्होंने तब कर लिया हाँ। तो वो वीडियो में एनर्जी अच्छी आएगी बराबर उसमें आपका जो जो भी आप चाहते हो कि लोग इतना हंसे इतना वो तभी हे हाँ। उसके एक साल बाद जिस उस टाइम पे होंगे। ओ, बरावर, बरावर। है ना अगर सामने वाला एडिटर बिजी है या साउंड वाला बिजी है या यू नो कलर वाला बिजी है तो वो डिले होता जाएगा तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी मुझे मतलब ये समझ में आ गया तो बेटर है भाई जब निकालना अपनी टीम है बैक करो बैक काम डालना ये कल डालना ये कल डालना सब बताओ डालना सब ये करो पहले यार लेकिन तू तु, अभी तूने इतने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी डाले तो आ, ऐसा कभी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ कि ये जोक पे कुछ बवाल मेरे भाई बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं हाँ। तो जो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता मतलब मेरे पास बहुत सारी लीगल उस पे मैं गुस्सा हुआ था फिर धीरे धीरे निकल गया हा? तो हा? तो अभी तू तो ऐसा सोचता है कि थोड़ा सेफ जोन में करे सेफ तो क्या है बिकॉज सेफ तो यार जब मैं उनपे भी करता था मुझे लगता था वो सेफ है मतलब कौन सा टॉपिक इंडिया में सेफ, सेफ नहीं है हाँ, सारे हाँ, टॉपिक ही सेफ है और सारे ही अनसेफ है तो उसको तो नहीं कर सकते बट हाँ आप अपने माइंड में बना लो क्या जैसे कुछ केस में क्या हुआ कि मैंने सिंपल बोला कि ठीक है अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक है तो हटा देते हैं हाँ, और कुछ में मुझे हुआ कि ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं इसमें ओ, हाँ, मतलब हाँ, तो फिर मैंने कहा कि करते हैं फिर लेट्स गो ऑल आउट तो आपकी एथिक्स किस पे लाई कर दी वो इम्पोर्टेंट है आपने बोल दिया चार टॉपिक पे मैं नहीं बोलूंगा ये मेरे को लगता है ये गलत है तो गलत है ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे पे तू सोच सके मैं करूंगा नहीं मेरे को लगता है पॉलिटिक्स अ रिलीजन मेरे हाँ, को क्योंकि उस पे वो है ही नहीं मतलब अंदर से नहीं आता मेरे हाँ, को ना हाँ, जैसे काफी कमेडियंस पॉलिटिकली बड़े अवेयर होते हैं और उनकी इंक्लिनेशन भी दिखती है मेरी हाँ, भाई वो है कि नहीं है मेरी को कोई इंक्लिनेशन हाँ, 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 नहीं है और रिलीजियस मैं हूं

कि मतलब बंदा, हाँ। बंदा आए नहीं कल्ट नहीं बंदा आए दिमाग बंद करके आए हाँ। देख के चले जाए अगर हाँ। कुछ मैसेज मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो भी ठीक है बट मजे आए बहुत ऐसा नहीं करना कि इमोशनली उसको ड्रेन कर दू या उसको इतना ज्ञान दे दू बोले की तो तेरे पास आया था तूने और दे दिया तो मेरा मतलब माइंड में फंडामेंटली स्टैंड अप वही है और मैं किसी का देखता भी हूँ तो मैं उनसे ही मैच करा पाता हूँ तो मेरे को है ही नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञान देना है फिल है ये। उसके लिए करते हैं ना <laughs> आप, पूरा हा, आप हा, उसके, उसके लिए भी है तो तीन चार दोस्त हैं। दो दोस्त जो है जो इंडिया में है एक दोस्त है वो लंदन में वो चले गए अभी शादी हुई उसकी लेकिन बाकी दो एक कार्तिक है और एक सोमिल है तो कॉलेज टाइम से ही साथ रहे हैं तो मतलब, मतलब मुंबई में कॉलेज बोलते हैं इधर स्कूल अच्छा, तो <laughs> मुंबई में कॉलेज मतलब बारहवीं स्कूल मतलब स्कूल दिल्ली में जो बारहवीं स्कूल होता है वो कॉलेज होता है अब लोग वैसे पकड़ ले भाई मेरे अब मैं मुंबई से हूँ मैंने जो पहला वीडियो डाला अच्छे खासे व्यूज आए जोक्स अच्छे लगे लोगों उसमें लिख रहे हैं

तू अभी दसवीं में है, तू कैसे कॉलेज में कहता नहीं इसको कॉलेज बोलते हैं है, बाहर निकल मेरे से ये।, आ, ये बहुत होता है <laughs> हाँ तो जो दो बेस्ट फ्रेंड्स है वो तब से साथ में है और वो हमेशा से वही रहे कि, मतलब भी, तो उनके की दोस्त नहीं चाहिए तो ना कभी कभी मान ली एक किस्सा तूने बता दिया अब अगर वो मेरा दोस्त है मैं तो उसका तो ले ही सकता हूँ बट अभी तेरा उठा ले तो जाके चोर है ये तो इसलिए उनके किस्से तो आते रहते हैं और उनकी लाइफ भी काफी काफी वराइटी वाली रही है अभी

आई जोक सुनाता है ये वो कभी तो हमारे सामने तो हकता ही अभी स्टेज पे भी हंगने लग गया वैसे ही तेरे तेरे कौन है सबसे बेस्ट फ्रेंड्स यार मेरा एक दोस्त है जो जब मैं चार साल का था ना वो मुझे तब हुँ. मिला था जब हुँ. मैं चार फर्स्ट टाइम फर्स्ट में गया था मैं हाँ. और वो तब मिला था और वो हाँ. अभी तक है मतलब मतलब वो एकदम ही हाँ, से, हाँ, हाँ, हमने जो दोस्ती का पहला मेरा वो था वो वही था हाँ, हाँ, उसके बाद शुरू में एक दो बार लड़ाई हुई जब में थे गंदी वाली सेकंड में कुछ चीजें होती है ना जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे लाइफ में ना लेकिन उसको बताते हुए भी आपको वो नहीं होगा दोस्त बट ये तुम एक चीज

मतलब मराठी का एक जैसे कैसे बताऊं अभी जैसे ये बट आपने मराठी क्यों नहीं चुनी मैं क्यूरियस था यार तो स्टैंड अप हमेशा से हिंदी ही कर रहा था मराठी ऑडियंस तो थी बट मराठी शोज नहीं होते थे मुंबई में तो कहा से ही करता तो फिर हिंदी में ही करता था और फिर वो कंटेंट वॉन्टेंट डालना भी चालू किया फिर मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुंबई का हो और मराठी शोज उतने होते नहीं है तो मैंने सोचा था कि एक शो तो करते हैं अपन और वो रेगुलरली प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे ठीक है एक शो किया हमने उसमें कुछ फुटेज भी मिली वो फिर मैंने सोचा कि एक मराठी पेज पे डालते हैं तो इंस्टा है। पे नया अकाउंट बना नया मतलब मेरा ही जो पर्सनल अकाउंट था हाँ। तो उसमें कुछ पर्सनल था भी नहीं यूज <laughs> यूज कभी ही नहीं किया उसका कुछ भी नहीं था तो मैंने हाँ, सोचा हाँ, इसको हाँ, ही कन्वर्ट करके हाँ, हाँ, उसको उसका नाम बना दिया और डाले चार पांच रील्स उसमें ही कुछ दस पंद्रह हजार फॉलोअर्स बन गए उसके तो अब वो मराठी का चैनल भी है तो मराठी शो बीच बीच में डालते रहता हूँ अभी एक महाराष्ट्र टूर भी कर रहा हूँ मैं लेकिन वही है कि अब मराठी में चाहता हूँ मैं करूँ ज्यादा बट उतनी ऑडियंस भी तो आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई यूट्यूब पर डाल देगा ना तब देख लेते हैं <laughs> <laughs> अब लेकिन वो लाइव शो का फील तो लाइव शो में ही है, है ना है तो है है लेकिन है है मैं भाई अभी एक महाराष्ट्र टूर कर रहा हूं, तो उसमें करेंगे और और अच्छा रिस्पांस आया तो फिर वही महाराष्ट्र में एटलीस्ट मैं मराठी कर लूंगा और बाकी इंडिया में तो हिंदी में आ ही रहे लोग सेम दोनों लैंग्वेज में खेल नहीं मराठी मराठी हाँ, कर सकता हूं, लेकिन का कुछ कुछ जो रहता है ना रीजनल में तो मैं पता है ये अपने घर की स्टोरी है ये और उसमें मराठी घर में क्या हो रहा है अब जैसे ओवरव्यू जैसे मैंने आपको बताया कि ये ये होती है तो वो गया लेकिन जो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें वो अपने मराठी लोग को ही पता है तो और उसमें वो वाइब भी है ना कि वो तो वैसा उसमें ही लैंड होगा वो बाकी हिंदी ऑडियंस में उतना नहीं, लैंड नहीं होगा हो, समझ में ही नहीं आएगा तो दे रेफरेंस पॉइंट की समझ में नहीं आएगा तो वो एक दो स्टोरीज हैं जो मराठी में ही करता हूँ एक स्टोरी है जो हिंदी वाली वो ट्रांसलेट करके ही करता हूँ क्योंकि वो थोड़ी जेनेरिक टाइप की है कि डैडी की स्टोरी है वो अच्छा डैडी पे बहुत कंटेंट है अच्छा तो कैसा है रिलेशनशिप कैसा आपका डैडी के साथ मम्मी डैडी दोनों ही चिल रहे हैं हमेशा से वो दिख रहा है आपने जब बताया हाँ। कि जो करना कर लो कंसिडरिंग जो भी फाइनेंशियल चल रहा था तब अलावा भी तो हाँ फाइनेंशियल तो सीन था ही पहले भी हाँ। ठीक है जैसे कि जब इलेवेंथ ट्वेल्थ हुआ हाँ। तब ऐसा सीन था कि मुझे करनी थी कमर्शियल पायलटिंग ठीक ठीक एकदम ही था तभी हाँ हाँ हाँ, तभी और तो 40 -50 पच, है है हाँ, लाख लगते थे थीक है? तो भी ऐसे थे तो ऐसे पैसे नहीं अपन लोन लोन वोन वोन का देखेंगे अच्छा। उन्होंने ट्राई किया नहीं हुआ एमबीए हाँ। के लिए भी लोन ही करना हर चीज के लिए लोन ही लेना पड़ा लेकिन फिर वो ऐसे थे ये बहुत कम कर ले फिर उसमें ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कमर्शियल पैलेटिंग नहीं तो ऐसे एरोनोटिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ऐसा एक कोर्स है वो मैंने ये प्लेन से इतना प्यार क्यों है भाई पता नहीं कुछ <laughs> था बचपन से रहता ना वो था मेरे को और एक तो मुझे पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है भाई है। ने की थी इंजीनियरिंग में ऐसा था कि भाई इंजीनियरिंग अपने से होगी नहीं तो मैंने सोचा कुछ अलग तो करते स्टैंड अप का भी आता पता नहीं था तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया और साठ हजार भर दिए थे पहले साल के ठीक है अब साठ हजार मतलब मेरे घर वालों के लिए तो बड़ी बात बड़ी थी ठीक है अब मैं गया उधर दो तीन महीना गया कॉलेज तो फर्स्ट ईयर और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इसमें ना स्कोप है और ना मुझ में मुझे इसमें इंटरेस्ट है चे? तो मैं समझे कि ये करूंगा भी तो भी कुछ बहुत मुश्किल है और साठ हजार पहले साल के ही भरे उन्होंने तीन साल भरेंगे और पैसे जाएंगे तो आ, मैंने डिसाइड किया मैंने बोल दिया घर पे जाके एक दिन कि मुझे लग रहा है ना ये Shit. नहीं है भाई मेरी बहुत फटी क्योंकि मुझे पता था यार हाँ, साथ बड़ी हाँ, न, हाँ. तो तो बहुत अमाउंट है है वही मैं सोचा ठीक मैंने बोल दिया भाई उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला मम्मी डैडी दोनों ने बोला कि नहीं करना है ना ठीक है अपन एडमिशन कैंसिल करते मतलब जो भी है वो फर्स्ट सेम का पैसा भरा था ऐसा कुछ था फिर जाके उन्होंने कैंसिल कराया मतलब मेरे साथ ही आए अगले साल बी तू सोच गए बी कॉम वाले लेवल पे आ गया मैं

तो कुछ भी रहता था, था ना मैं इमोशनल कार्ड खेलता था जैसे कि बाइक हमारे पास थी एक वो बहुत पुरानी वाली बाइक थी अब दो भाई और पापा तीन मिला के एक बाइक चला रहे तो मैंने सोचा दादी से मांगते तो दादी को बोला दादी क्या है अभी कॉलेज की पढ़ाई रहती है हम जाते हैं चल के जाना पड़ता है यो यो बाइक चाहिए दादी ने बोला ठीक है पैसे तो दादाजी के दादाजी से उतना क्लोज नहीं था तो मैं दादाजी से बात करती उसने बात बात किया उसने कन्विंस कर लिया रहेगा कि अब तब बाइक आती थी पचास साठ हजार की बट हमने सोचा लूट ही रहे अच्छे से लूट लेते हैं <laughs> तो दादी का साहब को बोला कितने पैसे चाहिए बोला नब्बे हजार लगने वाले हैं <laughs> दादी बोले नब्बे हजार तुम लोग क्या स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो नहीं अवेंजर ले रहे <laughs> तो उन्होंने किसी को पूछा तो की आती थी वो। लेकिन हमने भाई सिर्फ भाई थोड़ी लेंगे। उसके बाद गेयर भी आएगा मम्मी डैडी सोच रहे हम बोल रहे हमारी दादी हम देख लेंगे तो वो पैसे वहां से ले लिए फिर उसके बाद एक बार फोन घूम गया मरीन ड्राइव गया था बैठे थे दोस्तों के साथ फोन बाजू में रखा था उठ के आगे फोन चोरी हो गया घर वाले हमारे पास तो है नहीं अभी पैसे ठीक है तभी आठ दस हजार का फोन आता था फिर से दादी को फोन किया बोला दादी ऐसे ऐसे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करने फोन ही नहीं है तो दादी ने पूछा कितने पैसे चाहिए मतलब दस हजार चाहिए तभी एम बी ए करा तो एम बी ए में दादी से पैसे मांग रहा हूँ तो दादी ने बोला मैं दादाजी से बात करती हूँ दादी ने बोला की दादाजी ने तो मैंने बोल दिया था कि जैसी मेरी सैलरी आएगी मैं आपके लौटा दूंगा मैं सोचा अभी बुढे लोग से कितने ही पैसे लोगे तुम तो दादाजी ने बोला एकदम ही दादाजी इमोशनल ठीक है दादाजी ने बोला मेरी दो शर्तें हैं मैं पैसे दूंगा तुम्हें कि एक तो तू लौटाएगा नहीं मैं बोला बेस्ट ये तो मंजूर है मुझे <laughs> <laughs> दूसरी शर्त ये है कि पैसे लेने तुझे आना पड़ेगा अच्छा मतलब मैं वो ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो मुझे समझ गया अब तीन सौ चार सौ रुपए का मैं और डैडी दोनों गए भाई उन्होंने कैश निकाल के रखी थी और वैसे तू रिटायरमेंट पे देते ना वो लिफाफे में ये रख तेरे पैसे और गाँव में सबको बोला रहे मेरे पोते को नया फोन मैंने दिलाया और भाई के साथ कैसा है बॉन्डिंग अच्छी है भाई के साथ तो भाई मतलब वही एकदम ही भाई मतलब एक तो डेढ़ साल ही बड़ा है वो पहले तो बहुत बुले करता था जब छोटे थे <laughs> वो मारता आ, भाई मारता था भाई साहब बहुत एक तो थोड़ा फिजिकली भी ही था मुझसे अच्छा तभी मैं लंबा नहीं था तभी वो मुझसे लंबा भी था और थोड़ा ये भी था तो मारता ही था वो मुझे मतलब कुछ गलती हो गई मार दिया तो मैं हमेशा ट्राई करता उसका कुछ तो अपने पास एक पॉइंट है फिर जब उसको पहली बार ऐसा प्यार व्यार हो गया था तब मैं ऐसा था कि मैं घर पे बता दूंगा <laughs> और अपने मेरा गेम ही नहीं था तो मुझे अपना तो ये आएगा ही नहीं कभी तो वैसे तो मैं घर बैठा तो ऐसा नहीं 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 ठीक है तो तभी तो थोड़ा बेटर हुआ हमारा बट क्रिकेट विकेट साथ में खेते थे गाली वाली देते और ओपोनेंट थे हम लोग डब्ल्यू खेलते थे भाई हम तो खेलते ही थे दो, अच्छा, दो भाई ना तो खेलेंगे थे, आप, थे, आप, खेल... आप, आप, आप कौन पसंद 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 था था भी, आ, स्टोन कोल, स्टोन कोल पसंद था था स्टोन वो कुछ देता ना वो पकड़ के उल्टा उतने औकात भी नहीं थी उठाने की किसी को तो हम दोनों तो खेलते थे गद्दे डाल के और हमारा एक दोस्त था अक्षय नाम का उसका भाई बहुत ही बड़ा था अच्छा तो वो उसके साथ नहीं खेल पाता तो हमें बोला था की हाथ जाऊ तो हम उसको। उसको तो हाँ, तो अच्छा, क्योंकि झगड़े भी बहुत होते थे बचपन में फिर वो इंजीनियरिंग के लिए बाहर चलेगा फिर जब वो वापस आया तब तो एक अलग इंसान में तब हाँ और ऐसा होंगे तब तक दारू पीना चालू नहीं किया था अच्छा मतलब उसने अलग से चालू किया था अच्छा। और मैंने अलग से किया अलग से चालू ही नहीं किया था मैं माँ बाप कितने कूलते हाँ। तो कि आज अपन बियर पीते है हाँ। तो मैं बियर लेके आता हूँ तो डैडी तो पीते ही नहीं है ठीक है तो इन्होंने बोला मैं लाता हूँ दो तो मैंने बोला मैं तो नहीं पीऊंगा तो ये बोला नहीं मैं अकेले थोड़ी पीऊंगा तू भी पी तू भी पी ऐसे चल रहा है और मेरी माँ आके बोल रही है क्या लड़कियों जैसे कर रहे हैं बोल रहे है इतना पी लेना अरे <laughs> भैया मैं बोला लेके आ, ले आ जाओ लाइव पी उतना मजा नहीं आया बट अगली बार जब हमने वाइन पी ना एक दिन हम दोनों ही थे ठीक है और मम्मी डैडी कोई नहीं है आ, हम मामा के ही घर गए थे और रखी थी उन्होंने दवाई करके वाइन हमने थोड़ी थोड़ी करके वो पूरी पी ली बॉटल और थोड़ी 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 करके पूरी हम ऐसे थे कि थोड़ी पीते थोड़ी पीते करके पूरी पी गए हम अब दोनों हो गए इमोशनल एकदम वो वो चल रहा है हमारा कि अरे मैंने तेरे तिरसा ये गलत किया मैंने तेरे तिर और एकदम ही क्लोज हो गया फिर उसके बाद तो तो वो रिचुअल बन गया कि कभी प्लान है तो रात को लाइट वाइट ऑफ करके मतलब अभी घर वालों को पता भी थे बट ऐसी तुम महफिल ही बना दोगे तो एकदम ही क्लोज हो गए तो अभी ऐसा कि लाइफ में भी कुछ हो रहा है या अभी अभी जैसे इंडिया टूर कर रहा हूँ तो उनके साथ बहुत टाइम से घूमने नहीं गया था तो सारे मतलब मेरे कजिन्स मेरा भाई और दोस्त सब लोग ही खास है तो उन्होंने बोला एक काम कर गोवा के लिए एक वीकेंड खाली छोड़ ठीक है तो मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ मैं गोवा में शो डाल <laughs> <laughs> डालची साले आ, <laughs> तो मैंने एक शो डाल दिया गोवा में अभी चार तो जितना दिन है। खर्चा है उतना तो निकलना जाएगा तो मैंने चार दिन थे एक दिन मैंने शो डाल दिया अब मुझे पता नहीं था गोवा में कितनी ऑडियंस रहेगी मेरी तो एक शो हो गया सोल्ड आउट तो मैंने जाके बोल दिया बोलिया मैं और ऑडियंस डालू डालू दो घंटे मैं पहुंच रहा हूँ तो मैंने बोला दूसरा बोला ठीक है डाल दू दूसरा डाला मैंने

हाँ, हाँ, आ, भाई, भाई मैं तो कुछ महाबले महाराष्ट्री <laughs> का टूरिस्ट डेस्ट डेस्टिनेशन रहता है महाबले और माथेरान <laughs> बचपन से लेकर बड़े होने तक हम हमेशा घूमे महाबले वृद्धा बराबर वही तो वही दो हम घूमेट्स बराबर तो क्योंकि मैंने बोला ना की उतना फाइनेंशियल अच्छा नहीं था तो डैडी को नहीं था और हम भी वैसे थे की पता है की नहीं है तो कहा होगा तो जब अब थोड़े बहुत बेटर हो गए तो डैडी ने इस साल बोला कि एक ट्रिप जा रहा है हम लोग मतलब मम्मी और डैडी तो जा ही रहे तो बोला तुम लोग भी चलो तो हमने बोला किधर जा रहे हैं ट्रिप तो वो ट्रिप था थाईलैंड ओ, ओ, आदे, 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 ये कहां से काजबात कहां बोल गए, गए हालात हा। बिल्कुल जाएंगे भाई बिल्कुल जाएंगे जायेंगे हम, हमें अलग रूम चाहिए बस <laughs> वो करता हूँ मैं और उतना तो एक कमाल लेगा उसे। <laughs> नहीं, अगर जिस दिन मम्मी डैडी देखेंगे ना स्टोरी वो ऐसे होंगे सालों खर्चे हमने उठाए कमाल कॉन्टेंट भी तुमने और जलील भी हमें ही कर रहे हो ऊपर से सही है सही है अब भेजो नॉट भेजो दोनों मतलब नौ, नौन नौन हूं। हूं। हाँ। मैं तो नॉनवेज ही हूँ तो ये दिल्ली बॉम्बे का जो फूड की वो चलती रहती है अब क्योंकि तुम्हारे अंदर तो एक मुंबईया ही है करोगे हाँ हा, हा। तो यार इस हा। पे क्या टेक है यार तो सीन मैं

नहीं तू कोथिमिर वड़ी खाई है तूने ने अलूची वड़ी कुछ भी नहीं खाया रहेगा भाई तो जो हमारी डिशेस है <laughs> वो उन्होंने खाई नहीं है अब जब मेरे वो 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 पाव उससे आगे सब वही अभी मुंबई आके बोलेंगे भाई इधर पानी पूरी खा ली भाई वो हमने थोड़ी बनाई है हमारा जो ऑथेंटिक है या जो नॉनवेज में हमारा हो गया अगर तू महाराष्ट्र में जाके एक बार नॉनवेज खाएगा ना फिश खाना कभी चिकन खाना भाई जो हमारा वो मसाला रहता है ग्रेवी रहता है ऑरेंज कलर का ग्रेवी बनता है और जो जितने भी मेरे दोस्त नॉन महाराष्ट्र या जो आउटसाइडर हैं जो आके घर पे खाए वो ऐसे कि भाई अगली बार आएंगे घर पे ही खाना खाएंगे तो इतना वैसा है वो लेकिन अभी वो वही है कि जब तुम दूर, अभी जैसे राजस्थान का किसी सबको क्या लगता है बचपन से इतनी शादी हो जाती है, है पानी तो है ही नहीं इधर बट वो पानी किधर नहीं भाई वो डेजर्ट में नहीं है ना अगर तुम उदयपुर जाओगे हर जगह भाई हरियाली हरियाली है भाई बारिश हुई थी तो वही है ना पता नहीं रहता लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बार महाराष्ट्र खाना खा के देखो तुम लोग हाँ वैसे वो तो फैक्ट है क्योंकि हम ना? वो पांच छह दुकानें देख के ही बोलते हैं कि और उसमें वो देनी चुनी चार चीजें ऑमलेट बना देगा पाव के साथ बराबर वड़ा दे, दे देगा एक समोसा दे देगा और एक वो भजिया पाव भजिया पाव और वो सब पाव।, पाव भाजी चीज पाव भाजी, भाजी। वही सब मतलब वो, भाई मेन्यू जो है वो हमारा है ही नहीं मतलब एक तो मुंबई में फेमस क्या है वो सब हो गए फेमस उडुपी रेस्टोरेंट्स <laughs> अब वो साउथ इंडियन खाना उधर फेमस हो गया है वो खा रहे लोग लेकिन महाराष्ट्र का वही है कि सैडली लोगों को पता ही नहीं है भाई कहाँ पे उतना अच्छा इस मिलेगा इस वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे वो लोग बट ठीक है तू भाई नेक्स्ट टाइम आएगा तू बताना अपन जाएंगे फिर उसके बाद और एक एपिसोड कैसा लगा खाना खाते खाते इतने सारे आपने इंटरव्यूज़ जो लिए हाँ। अच्छा आज आज हाँ। तो मैंने बहुत सारे अभी तक मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि करते अपन लेकिन मुझे वो वाइब नहीं आई अब फाइनली किसी कमेडियन ने पूछा जिसको अपन ने देखा भी है साथ में भी है तो ऐसा इसमें करेंगे लेकिन आज अच्छा लगा की और भी कोई और दे रहा है ऐसा नहीं है की तुम ही शुरू कर रहे हो आज जो खुद इंटरव्यू लेता

हूँ और एक हाँ। आर्टिस्ट ओपन कर रहा है अभी तो मेरे साथ खड़े हो के एक बंदा वो वॉशरूम जाना था तो कोई वॉशरूम में था तो मेरे साथ खड़ा हुआ कह रहा कि शुरू हो गया क्या अंदर <laughs> किसका फिर मैं, ना, मैं चुप था मैं ठीक है कोई नहीं, कोई नहीं। hmm. मैं हाँ बस हो गया ah. स्टेज जाएगा। जाएगा। oh. yeah. पे ah. और फिर वो वॉशरूम से निकल के फिर रूम में आया अब मेरे पास माइक है मैंने कहा अब अब होगा मुकाबला मैंने बहुत भारी मैं कुत्ते रिसर्च करके आया इतना तो मैं भी करके आता शो से पहले और थोड़ा तो करना चाहिए

अभी हो गया सब लोग चले गए ठीक है, है कोई नहीं बचा कोई सलेब नहीं आ रहा है।, है तो हम सब रुके ऐसे कि हाँ ठीक है ये खत्म करेंगे फिर निकल जाएंगे तो हम हमारा पूरा टीम आया हमने एक बंदे को बोला भाई तू फोटो ले ले अब कैमरा उधर उधर ही है जैसे उधर है, जैसे बीच से एक आंटी गई तो हम बोल उधे भाई बताना उनको पीछे से जाने तो उनको रिक्वेस्ट किया अरे मैम पीछे से जाओ तो पीछे से गई और उसको बोल के रखा था कि उधर की अभी कोई आएगा तो एक तो दिख रहा है ना कि कैमरा है तुम पीछे से ही जाओ ठीक है तो अभी हम सब ऐसे सेमी सर्कल में खड़े वेट करते फोटो खींचने अच्छा, वाले अच्छा, अच्छा, वो फोटो खींच ठीक है फोटो खींचने वाला है तब तक ऐसा हो गया कि और एक बंदा है और वो सामने से जा रहा है ना ये सामने से ही जाएगा। है, 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 तो एक बंदा भड़का उसमें माला ये पीछे से जाना और वो ऐसा ओ, सारी, सारी। तो अब सबका ध्यान एक्चुअली कैमरा में तो सब लोग तिरछी आंखों से देख सकते कि कोई इंसान है कौन है पता नहीं वो रुक गया उधर फोटो खींची हमने देखा करण जोहर था ओ और वो पूछ रहे हो मैं आई गो ना हाँ जाओ जाओ, जाओ सर भाई भाई बहुत ही अब तब वो बंदा जो था भाई वो तो बेचारा इंटर्न टाइप का ही था <laughs> उसको तो, 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 तो दुनिया हिल गई तो उसकी कि भाई ये हो गया करियर शुरू होता ही खत्म हो, हो भाई गया भाई करण जौहर को डांट दिया उसने अगले दिन ऑफिस आके हम चौड़ में बदल भाई करण जौहर की मार दी उसने उसको बोला चल पीछे हो जाए भाई तो डू टेक करन जो हा

जैसे डॉग्स का हमेशा वो पता है कि क्या देते? हाँ, वही है मेरे घर पे एक बिल्ली थी जो 16 साल से थी उसका नाम शेरू था ठीक है और वही है कि अब वो इन शॉर्ट जैसे कि कुत्ता वही है कि तुम्हें बहुत प्यार देगा तुम्हें उसके साथ घूमना उमना पड़ेगा बिल्ली का वो नहीं रहता वो ऐसे की घर में है वो और खाना दे दो टाइम खाने के टाइम आएगी कि ओ, खाना खाना चाहिए दे दो तो लेकिन वही है ना कि उसका प्रेजेंस रहता है ना तुम थोड़ा उसको लेके बैठ गए तो अब मेरी बिल्ली है थोड़ी कुत्ते जैसी उसको अच्छा। रोज रात को घुमाने लेके जाना पड़ता है अच्छा तो आ, तो वो थोड़ा बॉन्ड बन जाता है ना ठीक है और वही है की वही है घर पे एक आध तो रहता है ना जो तुम्हे पता है की भाई इससे मेरा उतना कुछ है भी नहीं बट वो प्यार तो रहता है तो बिल्ली के साथ भी वही है मतलब जब हाँ हाँ सोलह साल वो था जो बिल्ला था हमारा फिर लॉकडाउन के टाइम उसकी डेथ हुई ठीक है तो बहुत बुरा तो लगता है ठीक है मतलब राएग, ऐसे राएग। तुम्हें लगेगा कि भाई इमोशनल नहीं हूँ मैं मैं तो नहीं बहुत रोया तो हूँ हाँ तो, हाँ।, हाँ तो सब लोग ही रोए घर पे फिर डिसाइड हुआ कि इसके बाद कोई जानवर नहीं चाहिए क्योंकि बुरा बहुत लगता है एक डेढ़ साल तक रुके फिर मेरा भाई बोला एक तो रख सकते हैं <laughs> <laughs> तो हाँ, हाँ, तो नहीं नहीं है। उसने भाई अप करके मम्मी को किया उसने। अच्छा। दो तीन महीने तक ये चला की नहीं ये कर लेंगे मैं उसका ये ध्यान रख सकता हूँ आप ये, ये, ये करना ये करके वो डील हुई और फिर हम ऐसे थे की खरीदेंगे नहीं अडोप्ट करेंगे क्योंकि इतने जानवर है जिनको घर नहीं मिल रहा तो अडोप्शन के लिए एक ऑप्शन था पुणे में अच्छा ठीक है जो बिल्ली थी पुणे में थी छह सात बिल्लियां थी उनके पास तो एकदम ही प्रॉपर जॉब इंटरव्यू होता है वो अच्छा कि उसने पूछा क्यों चाहिए पास्ट में कभी रही है तुम्हारे पास बिल्ली कैसे ध्यान रखोगे क्या क्या करते हो और घर पे बच्चे है क्या अगर बच्चे तो नहीं देते अच्छा क्योंकि बच्चे लोग को समझता नहीं जानवर है मतलब छोटे रहते ना फेक देते हैं तो फिर वो एक राउंड क्लियर हुआ इंटरव्यू का ऐसा प्रॉपर प्रोसेस था भाई फिर उन्होंने बोला की ठीक है तुम आप आ जाओ मिलने आ जाओ फिर मिलने वही वो नाइनटी नाइन परसेंट तो डन ही था फिर ये गाड़ी लेके गया वहां तक फिर उन्होंने दिया उसके बाद उसका जो खाना था वो भी

घूमने जाएगा और नेबर के घर का भी एक्सेस है उसको विंडो तो से ही जाएगा उधर जाके उनको 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 <laughs> प्यार लेते हैं खाना, खाना खाने तुम्हें जो किसी और का हो हाँ। और सारा वो उसकी सब कुछ करो मैं जाऊँ एक दिन पूरा प्यार करू वो मुझे प्यार करे और मैं वापस आ जाऊँ मैं उसी टाइप ये समझ गया काफी लोग यही सोचते हमें पसंद है बट हमारे घर पे नहीं हमारे घर पे नहीं हम तुम्हारे घर आके खेले बहुत सारे दोस्त इसलिए मैंने दोस्तों को रखा हुआ क्योंकि हाँ। कुत्ते हैं। <laughs> अगर ये वो वीडियो ट्रिगर हो रहे अभी क्यों अच्छा ये है हमारी वैल्यू <laughs> कुत्ता ऊपर है दोस्तों से <laughs> <laughs> <laughs>

आ रहे हाँ। नहीं, नहीं उसके नहीं। लिए आ रहा <laughs> मुंबई में भी काफी ना ऐसे कैफेटेट कैफेज में कैट कैफे में वो वैलेंटाइन डे था तो उन्होंने बोला कि अपन चैरिटी के लिए करेंगे तो जो भी पैसे आएंगे अपन वो करेंगे जो स्ट्री कैट्स रहती है उनके अडोप्शन के लिए उनके रेस्क्यू के लिए और मैं ऐसा था कि भाई मुझे तो बिल्ली से प्यार है ही

मजेदार शो था कि मतलब वो बिल्लिया बिल्लिया उन्होंने बहुत सारी रखी और वही है कि वो डालते रहते हैं कि अगर तुम्हें रेस्क्यू करना है अगर तुम्हें अडॉप्ट करना है तो ये है और nice. सही है वो अच्छा कल्चर है वो तो प्रणित बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन uh, आपको कुछ ऑडियंस को बोलना है तो वो आपका कैमरा है नहीं बोलना तो भी कोई इशू नहीं है ऐसे ही मतलब तो यार भाई के साथ तो मुझे बहुत मजा आया और ऑफिशियली मैंने पहली बार किसी पॉडकास्ट पे या किसी इंटरव्यू में एज अ गेस्ट मैं गया और ये बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे सौंपी मुझे बहुत मजा आया <laughs> और ऐसा लगा ही नहीं कि भाई कि अभी ये खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत ही एकदम फ्री फ्लोइंग बातें हुई और ऐसे नहीं तो कमेडियंस बहुत कम ही चिल करते जोक्स ही डिस्कस करते तो ऐसा लगा कि एकदम घर की बातें कुछ जानने मिली आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो तो। मैं कोशिश करूंगा की वो हमारे शो में आए आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे आपको एंटरटेन करे और हाँ मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर सकते हो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है इस टू सी इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी